और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उपयोग आप कम करिए। तो फिर आप बोलेंगे कौन से भांडे लेके आए। विरुद्ध वस्तुओं को कभी साथ में नहीं खाएंगे, जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। और आखिरी छोटी सी माहिती, दसवां नियम है, वो ये है कि जब आप भोजन को बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं स्वयं पाक घर में, तो जिस पात्र में, भांडे में आप भोजन रखते हैं, उस भांडे को हमेशा खुला रखना। खुले भांडे में भोजन बना, बंद में नहीं। क्यों? भोजन को बनते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। तो भांडा खुला रहेगा तभी होगा। मतलब सीधा सा है, प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि वो बंद है, उसमें पवन का स्पर्श नहीं होता। और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम के भांडे में अगर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, बहुत जल्दी टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उपयोग आप कम करिए। तो फिर आप बोलेंगे कौन से भांडे लेके आए। माटी के भांडे लेके आए, वो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है। माटी की हांडी आती है, उसमें आप दाल बना सकते हैं, भात पका सकते हैं, सब्जी पका सकते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो 25 रुपए की है, बहुत सस्ती। दूसरा फायदा है, माटी जो है ना, इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है, इसमें फास्फोरस बहुत है। शरीर को लगने वाले जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो सब माटी में है। तो माटी का बनाया हुआ हांडी वो लाएंगे तो भारत के 1,50,00,000 कुम्हारों को रोजगार भी मिल जाएगा। और आपके शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए। तो आप बोलेंगे अभी कुम्हार हैं क्या, यहां बीड में है, मैं अभी आया तो देखा सड़क के किनारे वो माटी का बेचते हैं, कोई खरीदता नहीं क्योंकि सबके पास प्रेशर कुकर, सब फ्रिज में पानी रखते हैं, गाढ़ा भी अभी नहीं बिकता उनका। तो आप थोड़ा उनसे खरीदिए, उनकी रोजगारी चलेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा। और माटी के बर्तन अगर नहीं ला सकते, भांडे नहीं ला सकते, तो पीतल के लाना, पीतल। और वो भी नहीं आ सकता तो कांसा, सबसे अच्छा माटी, दूसरा पीतल, फिर कांसा, फिर सबसे अंत में स्टील, लोहा। एल्यूमिनियम बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल काम का नहीं है। मैं विदा लेना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बड़े शांति से सुना। अगर ये ज्ञान आपके पास आएगा, आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्थ।